ये बर्तन कपड़े सारा कुछ क्या करती हो मम्मी? हाँ बहुत काम कराते हो मम्मी, एक नंबर की ना पागल है। वैसे मुझे खाना भी बनाना है। 70 झंझट है मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ हाँ, घर में पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन भंडे बनाना, इनके अलावा भी और बहुत सारे काम है। व्हाट्सएप चलाना, फोन पर सहेलियों की उंगली चुगली करना, और कोई काम तो है ही नहीं। फिर ये तू पंखड़ सी, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। हाँ बस आलू गोभी बना ली। अरे देवी बाद में बात कर लिए फोन पे हैं? हाँ बस चलो ठीक है मम्मी, बहुत काम है, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। ठीक है ओके। 3 घंटे हो गए मुझे भी सुन तो आलू गोभी बननी, आलू गोभी बननी, आलू गोभी बननी, आलू गोभी हो गई बीरबल की खिचड़ी, अब पूरे गांव का बिटोड़ा पत थगी तू। बड़े गुस्से पथवाने वाले। हाँ तेरे बस की भाभी नहीं है, पर कोई बात नहीं, टेंशन ना ले जिनाल, एक दिन तू जरूर पाथेगी, आवेंगे तेरे पे भी गुस्से पाथने। पप्पू जी तुमने बकवास बंद करो, बड़ी देर से देखी जा रही हूँ, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, क्या कह रही हूँ मेरे बारे में चुगली करना, कि व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, कोई काम धंधा नहीं है, कहने का मतलब क्या तुम्हारा, मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ? ना ना मन्ने कब कहा तू ठल्ली बैठी रहे, तू तो सहेलियों के साथ बत्ता मारती है। रहने दो तुम, कम चालू बन लो मेरे सामने, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे तो लग रही तू फोन पे, इतनी देर में तो एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाता। ओ शट अप, कितनी जुबान निकली इस आदमी की, देखो। हे, कुछ भी बकवास करते हो बस ऐसी, अपनी माँ से बात कर रही थी मैं। तेरी माँ की? सब्जी में कितना नमक डालना, मसाले कितने डालने, और उसमें और धनिया पुदीना कितना डालना, ये पता तुझे? बत्ता बता रही है आगे बैठी हूँ। पप्पू जी तुम्हें ना डोज की जरूरत पड़ेगी। अरे देवी खाना तो बना दे, सब्जी तो रहने दे। 3 घंटे हो गए मैं सुनता जा रहा हूँ, अगर गोभी बननी, आलू गोभी बननी, आलू गोभी बननी है, आलू गोभी हो गया बीरबल की खिचड़ी, अब पूरे गांव के गुस्से पाथरी तू। हे भगवान, जी माँ थी ना मेरे धोरे, इधर मुंह से जवान काट दो, उधर खाना तैयार, इब तो फकीरों की ढाल मांगना पड़ा। अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे तेरी। भाड़ का भाई तेरा भी भाई। ना तो मैं गांव की कोई गोसे पाक रही हूँ, और ना ही कोई बीरबल की खिचड़ी बना रही हूँ। ठीक है मेरी मम्मी टेस्टी टेस्टी गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। वैसे तेरे बस का भी नहीं अभी टोड़ा पातना, पर ठहर जा, दिक्कत क्यों मान दी, कुछ दिन में पूरे गोसे पाथगी पूरे गांव के। टेंशन की सोच बंद कर ले अपनी, और मेरी सुना। हाँ तेरी सुनने के लिए तो ब्याह करा मैंने सुना। 6 दिन बाद मेरे मामा के लड़के की शादी है। तो मैं क्या करूँ? हम पानीपत जा रहे हैं शनिवार को। ठीक है तो जा। हाँ क्या जा, हम शनिवार को पानीपत जा रहे हैं, तो जा रहे हैं बस। हम जा रहे हैं मतलब किसकी साथ जा रही तू? पप्पू जी मैंने शादी किसके साथ करी है? अरे मेरी साथ शादी करी तो पूरे सारे सारे मुझे ही सारे टुकड़े की फरमान सुनाओगी तू, बटवे से मुंह वाली। पप्पू तुम मेरी नहीं सुनोगे और किसकी सुनोगे? टिकट जल्दी बुक करा लो। मैं शनिवार को खाली नहीं हूँ, मुझे काम है। अब शनिवार को कोई काम आ गया आपको? हाँ आ गया, और बहुत जरूरी काम आ गया, बता ला कर। पप्पू जी मुझे कुछ नहीं सुनना, हम शनिवार को पानी पर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं बस। भाभी आएगी दिक्कत कहाँ चल दिए? कोई जरूरत नहीं क्वाड़ वाड़ खोलने की, मैं देखती हूँ कौन है, जब देखो बसते रहते हो बस देख के। अबे यार यह औरत है औरंगजेब, इस घर को इनने जेल बनाया रखा। बस इन्हीं की कसर रह गई थी। के बड़बड़ान लग रही है, मने तो ऐसा लग गया आज पप्पू ने ये जमकर समारी से बढ़िया कर जी सा आ गया मेरे तो। राम राम देवर। भाभी को देखी कैसे उछल जा रहा है। भाभी मैं भी खड़ा सूर है, देखा को नहीं भाई। राम 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 भाभी। हो
भाभी राम राम। राम राम झंडू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, हाय तने देख के तो मैं और भी ठीक हो गया। क्यों, पहले कौन सा बीमार था जो इसने देख के अब ठीक हो लिया? तने बीच में बोलना जरूरी है के तेरी बीच में बक बक बंदे नहीं होंदी कदे भी। रे छोड़ो ना यार झंडवल लाल, तुम दोनों मियाँ बीबी, मियाँ बीबी नहीं कुत्ते बिल्ली ढाल लड़ना शुरू कर दो। अच्छा भाभी नु बता दू इस टाइम कैसे? जा ना देवर, इस टाइम तो तू ऐसा बोलन लाग रहा है जने रात के 12 बजे आके मैं तेरा चूंटी काट रही हूँ। ना भाभी, मेरा यू मतलब नहीं था कहने का, मेरा मतलब था तुम इस टाइम भाई झंडू की खातर गरम गरम चाय बनाओ, उसके साथ पकोड़े बनाओ, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, तो फिर तुम रसोई में बिजी हो जाओ। मैं तो नू सोच रहा था इस टाइम रसोई में बिजी होंगे, इस टाइम कहाँ आ सको तुम। है नहीं बात? के बात देवर, या टिंडे से मुंह वाली तन्ना ना देती ऐसा खाना? ये सब मिलता है, इवन ज्यादा ही मिलता है। हाँ मन्ना सब बेरस है, तभी तो इतना बोलन लाग रहा है यू। मेरे ब्याह ने 5 साल हो लिए, मन्ने सब बेरस है कौन कितने पानी में और कितना सच बोल रहा है। बड़ा एक्सपीरियंस है तुम्हें आदमियों का। के बड़बड़ करन लाग रही है, जोर के बोलना, हम देंगे तेरी बात का जवाब। अच्छा तू लाड साहब लाग रही है? हाँ लाग रही हूँ। छोड़ दो ना भाभी, तू तो खुद समझदार है। हाँ भाई समझो, मैं तेरी आदत खराब हो रही से, हर टाइम तू दूसरे ने नीचा दिखाना चाहे से। तू चुप नहीं रह सकता? मैं क्यों चुप रहूं? तू के मेरे ऊपर थानेदार लाग रही से, या स्वीटी जे कुछ नहीं बोलती इसका मतलब न्यू नहीं है अब तू सारी आनिश ने तन्ने मारे जावेगी। तन्ने तो सारी मेरी ये गलती दिखे से, इसकी तो एक भी कोई ना दिखती, सारी हाण बड़ 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 करती रहे, सारी हाण मेरे अंदर है तू इसकी। मन्ने तो इसकी एक भी बात सुनाई नहीं दी, मन्ने तो वही बात सुनाई दी जो तो इसने बार बार तन्ने दे रही थी। और बात सुन ले मेरी, या स्वीटी जो है तेरी छोटी बाण वर्गी है, और छोटी बाण वर्गी के तेरी तो छोटी बाणी है या। मन्ने कोई शौक ना इसने छोटी बेबे बनाण का, तन्ने घना शौक लाग रहता है, तू पहुंची बंधवा ले नहीं। ओहो इस लुगाई ने तो मारी सदा झंड करण की पड़ी रह से, इसने तो मेरी जिंदगी जमा झंड कर दी। जब भी तो तेरा नाम झंडू से, मरे तो नाम का भी मजाक उड़ाया जावे से, तू कौन सी कटरीना कैफ से, तू भी तो केला से केला, ओ केला ओ भी बासी हो लिया पिल पिला केला। चल तू एक बार घर, तना तो मैं घर ही देखूंगी, अड़क खड़ा खड़ा बड़बड़ान लग रहा, चल एक बार घर। छोड़ो ना भाभी, तू तो खुद समझदार है। हाँ भाई एक तो तू समझदार है और एक समझदार है या तेरी भाभी केलो। अरे भाई झंडू तेरे तो बात करनी बेकार है। हाँ भाभी तू बता क्या हुआ? देवर मैं न्यू कह रही थी, इस शनिवार ये काम तो बाहर जा रहे हैं और उसी दिन मेरे चाचा के साले के छोरी का ब्याह है, तो मैं न्यू कह रही थी। तन्ने सोचा मैं समझ गया भाभी, तू तो बस इतना बता दे, जगह बता दे और टाइम बता दे, बंदा हाजिर है। ना देवर देख ले, तेरे दोरा टाइम हो तो चाल पड़िए। रे भाभी अपने देवर से पूछे मत, आदेश कर बस आदेश। पर पप्पू जी तुम्हें तो शनिवार को कोई काम है ना? कोई बात नहीं भाई, जितने काम है तो तू टाल कर, मैं इसने अपने आप बस में बिठा दूंगा, या कहीं भी गुम नहीं हो सकती, और गुम होगी तो कोई बात नहीं, स्वीटी जी ने भी काम हो सके ऐसे। नहीं नहीं भाभी, काम तो मुझे 2 घंटे का बस, फिर तुम पूरे दिन खाली खाली पड़ा हो तो। ठीक से देवर, शनिवार को शाम 4 बजे पटियाला चौक पे बत्रा की दुकान पे मिलिए, उड़े खड़ी मिलूंगी मैं तन्ने। तन्ने जो सोचा एकदम ठीक सोचा। क्या ठीक है भाभी, जब मैंने तुमसे कहा कि मेरे मामा के लड़के की शादी है, जब तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे लिए, जब तो तुम्हारी मुस्सी सी मर रही है और अब तुम्हारे में जान आ गई। भाभी मैं तैयार हूँ ना। तू क्यों टाइम निकाल लेगा इस खतर ले जान के लिए, पप्पू है ना इसके लिए।
तुम मोटी बुद्धि की है कि जब तेरे मामा के छोरे के ब्याह में तेरे गल्ले पप्पू जानने तैयार है, स्वीटी भी तो अकेली जाएगी, उसका गल्ले भी तो कोई जान आना चाहिए, मैं तैयार हूं ना। हाँ मन्ने बेरस है, तू पप्पू की कमी पूरी करेगा इस गेला। तेरे दिमाग में जंग लाग रहा है, जंग। मेरे दिमाग में तो जंग लाग रहा है, तेरे में कौन सा ना लाग रहा, तो एक बार घर चल फिर बताऊंगी। क्या बकवास है तुम्हारी जी, मेरे घर की शादी में जाने के लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और इस केड़ा पेड़ा के साथ तुम शादी में जाने की बातें कर रहे हो। अरे बावली पूंछ तू समझी नहीं, शादी से पहले मुझे भाभी ने 3 साल तक अपने देवर क्या बच्चे की तरह पाला है, अगर मैं कुछ घंटे के लिए उसके साथ चला जाऊं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और जो मेरे से शादी हुई है उसका क्या, अब तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं 3 साल इंतजार करूं। इस औरत को छोड़ गए मैं दुनिया की किसी भी लड़की की साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। क्या भाइयों मित्रों दोस्तों, इनके चक्कर में ना पड़ियो, इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी, तुम लाइक शेयर और कमेंट जरूर करियो। घर की घंटी बजते तो आप बड़े उछल के कूद पड़ते हो, अब मेरा काम आ गया तो आपको कोई काम याद आ रहा है? काम है बहुत जरूरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मामा की। अरे यहाँ कुछ और डायलॉग था आपका, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। हाँ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार या औरत है चला, ये तो बजेगा अभी, थोड़ी देर रोक दो ना, एक मिनट। राम राम। राम राम। इन्हें सब मिलता है, इवन ज्यादा ही मिलता है। हाँ मन्ना सब बेरस है। हाँ मन्ना सब बेरस है। Huh?